नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे चार अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिनके पास से नगद रुपए, तीन बाइक और असलहे भी बरामद हुए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओ गोला रविंद्र कुमार ने जानकारी दी। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मनोज खीरी के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धर पकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दिनांक 9/5/2020 को थाना घीरा की पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि मटहिया किमलिया रोड पर कुछ बदमाश तीन मोटरसाइकिलों से एकत्रित हैं और कोई भी घटना तारित करने के फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना बीरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की आहट होते ही बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, लेकिन पुलिस जन द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए बदमाशों को चारों ओर से ललकार कर घेर कर उनको अरेस्ट किया गया। कुल चार बदमाश मौके पर थे जो कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनमें से धर्मेंद्र और पांडा पुत्र श्रीराम, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 12 अभियुक्त पंजीकृत हैं, जितेंद्र सनक ब्रिदलाल, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 7 अभियुक्त पंजीकृत हैं, प्रेम कुमार उर्फ मलिक पुत्र खेटू, इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 6 अभियुक्त पंजीकृत हैं, और उमेश पुत्र लालचंद प्रसाद, इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 8 अभियुक्त पंजीकृत हैं। ये चारों ही बदमाश सात्विक किस्म के बदमाश हैं और इन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कारित किए हैं। इनसे मौके पर 4 तमंचे बरामद किए गए, जिनमें से 2 315 बोर के हैं और 2 तमंचे 12 बोर के हैं। इन्हीं के साथ खाली खोखा कारतूस एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के पास से कुल 10,000 रुपये नकद बरामद हुआ, जो कि इनके द्वारा विभिन्न लूटों में लूटा गया था। सभी अभियुक्तों को और 3 मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुई हैं। सभी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।